रिलाइजेशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो प्रिपेयर होगा डिसोल्यूशन के वक्त और जिसका मेन मोटिव है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। वो भी कब? जब हम एसेट्स को बेच देंगे और लाइबिलिटीज को कर देंगे पेड ऑफ। रिलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द नेट इफेक्ट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज। एसेट्स करनी होंगी रियलाइज, बेचेंगे कैश आएगा, लाइबिलिटीज को करेंगे पेड ऑफ। हो सकता है कुछ एसेट्स ऐसी होंगी जो कम अमाउंट पर बिकी, जिस रेट पर बुक्स में रिकॉर्डेड है उससे कम अमाउंट पर बिकी। कुछ लाइबिलिटीज ऐसी होंगी जितना हमने वादा किया था पेमेंट करने का। मतलब क्रेडिटर अगर किसी स्पेसिफिक अमाउंट पर बैलेंस शीट के अंदर है, क्रेडिटर देख रहे हैं फर्म बंद हो रही है, तो कुछ कम पेमेंट ही कर दिया जाए, कुछ कम पेमेंट ही फर्म से रिसीव कर रहे हैं, तो उस केस में हो सकता है फर्म को प्रॉफिट या लॉस हो। ये प्रॉफिट या लॉस निकालेगा रिलाइजेशन अकाउंट और फर्दर उस प्रॉफिट या लॉस को वो डिवाइड कर देगा पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हेंस ऑल दी एसेट्स एक्सेप्ट फ्यू एंड ऑल दी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू दिस अकाउंट, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। फर्दर इसके अंदर हम एसेट्स को बेचना, लाइबिलिटीज को पेड ऑफ करना, रियलाइजेशन एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करेंगे और इस अकाउंट से जो भी फाइनल आउटकम आएगा उस फाइनल आउटकम को डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ये अकाउंट नॉमिनल इन नेचर है, जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये है नॉमिनल इन नेचर। बात करें डिफरेंसेस कौन कौन सी है रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त, जबकि सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर होगा फर्म के डिसॉल्यूशन के वक्त। रिवैल्यूएशन का मेन मोटिव है एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में जो भी चेंजेस आए हैं उस चेंज को रिकॉर्ड करना ताकि प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट करें। रिलाइजेशन अकाउंट का मोटिव है फर्म जब बंद हो रही है तो एसेट्स और लाइबिलिटीज को, एसेट्स को बेचकर लाइबिलिटीज को पेमेंट करके कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ वो कैलकुलेट करना। आइटम ऑन द डेबिट साइड, तो रिवैल्यूएशन के हमने डेबिट साइड में देखा एसेट्स का डाउनवर्ड वैल्यूएशन है, कुछ लॉस हुआ एसेट्स की वजह से, कुछ लॉस हुआ लाइबिलिटी की वजह से, जब लाइबिलिटी बढ़ गई तो वो रिकॉर्ड होंगे डेबिट साइड में, जबकि यहां पर एसेट्स को राइट ऑफ करना और लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस को पेमेंट करने की रिकॉर्डिंग होगी डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन के अंदर एसेट्स का अपवर्ड वैल्यूएशन, लाइबिलिटी का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन यहां पर रिलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे लाइबिलिटीज को राइट ऑफ करना प्लस एसेट्स जो भी हम बेचेंगे तो करेंगे कैश रिसीव, वे सारे आइटम। अगला फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिपरेशन, तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है जब जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा बार बार रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। नया पार्टनर एडमिट हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुराना रिटायर हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पीएसआर चेंज हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जबकि जो रिलाइजेशन अकाउंट है वो पूरी लाइफ में केवल एक बार ही बनेगा, ये फर्म एक बार बंद हो गई वापस स्टार्ट नहीं होगी। आखिरी कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। जब भी फर्म का होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन, सपोज एडमिशन है, ए और बी पहले दो पार्टनर थे, अब नया पार्टनर सी एडमिट हुआ, तो एडमिशन के वक्त जो ओल्ड पार्टनर्स हैं इनमें ही बटेगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, जबकि रियलाइजेशन में जितने भी पार्टनर्स उस समय होंगे फर्म में उन सभी के बीच में प्रॉफिट या लॉस बटने वाला है।